ये क्रिकेटर्स 2019 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले लेंगे। हर व्यक्ति के सर पर क्रिकेट का बुखार सवार है, और हो भी क्यों ना। क्रिकेट का महाकुंभ वर्ल्ड कप जो शुरू हो चुका है, हर 4 साल के बाद आने वाले इस टूर्नामेंट का इंतजार क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि हर क्रिकेट फैन करता है। और इस बार का वर्ल्ड कप तो है भी कुछ ज्यादा ही खास। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वर्ल्ड कप के बाद निश्चित रूप से क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं, और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को तोड़कर उनकी आंखों को आंसुओं से भरने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ क्रिकेटर्स के बारे में। 10. इमरान ताहिर। क्रिकेट का बेमिसाल जज्बा देखना चाहते हैं तो इमरान ताहिर से अच्छा उदाहरण आपको शायद ही कहीं मिले। पाकिस्तान में जन्मे ताहिर ने ना जाने कितनी टीमों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। क्रिकेट का जुनून उन्हें दक्षिण अफ्रीका खींच लाया, और 2011 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका की टीम में खेलने का मौका मिल गया। फिर क्या था, ताहिर को आज दक्षिण अफ्रीका का सबसे महान लेग स्पिनर कहा जाता है, और अपनी कला का जौहर वे दुनिया भर में दिखा चुके हैं। हाल ही में इमरान ताहिर ने अपना 40वां जन्मदिन मनाया है, और ये भी संभावना जताई है कि शायद वे 2019 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट से संन्यास ले लें। 9. शोएब मलिक। 37 साल के पाकिस्तानी बल्लेबाज शोएब मलिक दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो सन 2000 से भी पहले से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शोएब मलिक ने अपना पहला मैच सन 1999 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, और आज भी वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में हिस्सा है। हाल ही में शोएब मलिक ये कह चुके हैं कि वर्ल्ड कप 2019 खत्म होने के अगले ही दिन वो क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। वैसे पाकिस्तान के ही मोहम्मद हाफिज भी विश्व कप के बाद रिटायरमेंट ले लें तो आश्चर्य नहीं होगा। 8. शॉन मार्श। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज शॉन मार्श भी वर्ल्ड कप 2019 के बाद क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। अभी उन्होंने इसके बारे में चर्चा तो नहीं की, लेकिन क्रिकेट को जानने वाले कोई भी व्यक्ति से ये जानने को मिल सकता है कि मार्श का क्रिकेट करियर अपने अंतिम दिनों में है। उसकी वजह उनकी उम्र तो है ही, साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम में उनकी जगह भी पक्की नहीं है। दोस्तों, शॉन मार्श के छोटे भाई मिशेल मार्श को तो आपने ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते देखा होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि शॉन मार्श के पिता जॉफ्री मार्श भी ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते थे, और उनकी बहन मेलिसा मार्श एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी है। 7. रॉस टेलर। जी हाँ भाइयों, न्यूजीलैंड के रॉस टेलर भी वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले सकते हैं। उन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर 2006 में शुरू किया था, और आज भी रॉस टेलर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। फिलहाल वे वनडे रैंकिंग में दुनिया में 3रे नंबर पर हैं, और सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा से ही पीछे हैं। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी संन्यास लेंगे, और ना ही उन्होंने कभी इसका कोई जिक्र किया है। लेकिन क्रिकेट पंडितों का तो यही कहना है कि रॉस टेलर का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। 6. मशरफी मुर्तजा। बांग्लादेश के सबसे महान तेज गेंदबाजों में से एक मशरफे बिन मुर्तजा का आधा करियर तो चोट से उभरने में ही निकल गया, लेकिन आज भी वो तेज गेंदबाजी कर रहे हैं और बांग्लादेश की टीम के कप्तान हैं। ये क्रिकेट के प्रति उनके जज्बे को दिखाता है। मुर्तजा ने 2001 में अपना पहला मैच खेला था, और आज भी अपनी टीम के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बने हुए हैं। शायद आपको नहीं पता होगा कि मशरफे मुर्तजा बांग्लादेश की संसद के सदस्य भी हैं। 2018 में वे बांग्लादेश के आम चुनाव में नरायल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत दर्ज कर चुके हैं। मुर्तजा टेस्ट और T20 से तो पहले ही संन्यास ले चुके हैं, और शायद वर्ल्ड कप 2019 के बाद वनडे क्रिकेट को भी अलविदा कह दें। 5. मोहम्मद नबी। किसी ने सच कहा है, लोग क्रिकेटर्स को तो देखते हैं, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचते हुए उन्होंने जो परेशानियां झेली हैं वो कम ही लोग देखते हैं। अफगानिस्तान में जन्मे मोहम्मद नबी को छोटी उम्र से ही सोवियत अफगान युद्ध के कारण अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा, जहां उन्होंने क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। सन 2000 में वो अफगानिस्तान वापस लौट आए, और जब अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम बनाई गई तो नबी भी उसका हिस्सा बन गए। 2009 में जब अफगानिस्तान ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला तो नबी उस टीम में शामिल थे, और आज जब 2019 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान खेल रही है तो नबी उसमें भी टीम का हिस्सा है। अफगानिस्तान को इस मुकाम पर पहुंचाने में नबी के योगदान को कोई नहीं भूल सकता, लेकिन 34 साल के मोहम्मद नबी अगले वर्ल्ड कप तक खेल सके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। 4. डेल स्टेन। दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को आज तक के सबसे महान तेज गेंदबाजों में से माना जाता है। एक समय था जब उन्होंने दुनिया के महानतम बल्लेबाजों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। स्टेन ने 2004 में दक्षिण अफ्रीका के लिए अपना पहला मैच खेला था। डेल स्टेन कुल 2356 दिनों तक टेस्ट रैंकिंग्स में पहले स्थान पर रहे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाल ही में स्टेन को चोट के कारण बहुत समय तक टीम से बाहर बैठना पड़ा, और वो खुद भी कह चुके हैं कि वो दक्षिण अफ्रीका को वर्ल्ड कप 2019 का विजेता बनाकर क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते हैं। 3. क्रिस गेल। यूनिवर्स बॉस के नाम से प्रसिद्ध
वेस्ट इंडीज के इस बाहुबली क्रिकेटर का दीवाना तो हर क्रिकेट फैन है। गेल ने अपना पहला मैच 1999 में 19 साल की उम्र में भारत के खिलाफ खेला था और फिलहाल वो 39 साल के हो चुके हैं। गेल को लोग जितना प्यार करते हैं उनका करियर उतना ही विवादों में घिरा रहा, लेकिन वो हर परेशानी को बाउंड्री के बाहर मारते रहे और अपने प्रशंसकों की संख्या को बढ़ाते रहे। गेल के नाम T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड है और दुनिया भर की T20 लीग्स के बॉलर्स में उनका खौफ आज भी वैसा ही है। कुछ दिनों पहले क्रिस गेल ने कहा था कि वो वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, पर दुखी मत होइए, T20 में अभी भी आप गेल को खेलते हुए देख पाएंगे। 2. लसित मलिंगा। स्लिंगा मलिंगा के नाम से प्रसिद्ध श्रीलंका के लसित मलिंगा अपनी यॉर्कर्स का जादू दुनिया के हर कोने में दिखा चुके हैं। मलिंगा के नाम वनडे क्रिकेट में 3 हैट्रिक्स हैं और वो दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4 बॉल पर 4 विकेट लिए हैं। मलिंगा T20 में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और IPL के भी सबसे सफल गेंदबाज हैं। पिछले कुछ सालों में मलिंगा का प्रदर्शन लगातार खराब होता गया है और उन्हें श्रीलंका की टीम से भी बाहर रहना पड़ा था। एक समय तो उन्हें IPL में भी नहीं चुना गया था, लेकिन इस साल उन्होंने मुंबई इंडियंस को आखिरी गेंद पर जिस तरह जीत दिलाई वो दिखाता है कि इस उम्र में भी उनकी टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन 35 साल के मलिंगा भी इस वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेने का संकेत दे चुके हैं। 1. महेंद्र सिंह धोनी। भारत के सफल कप्तान, दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में से एक, तीनों ICC ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के एकमात्र कप्तान और लाइट की स्पीड को मात देने वाले विकेटकीपर, रांची के मामूली परिवार का एक लड़का महेंद्र सिंह धोनी एक दिन दुनिया में अपना इतना नाम करेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। धोनी ने भारतीय क्रिकेट में जो योगदान दिया है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। 37 साल के धोनी ने भारत के लिए अपना पहला मैच 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था और उसके बाद की स्टोरी तो आप जानते ही हैं। वैसे भी धोनी ने रिटायरमेंट की कोई बात नहीं की है, लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप के बाद शायद ही वो टीम का हिस्सा रहें। अगर आप भी धोनी के सच्चे वाले फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों, ये हैं कुछ ऐसे सितारे जो वर्ल्ड कप 2019 के बाद क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। ये खिलाड़ी चाहे कोई भी टीम से हों, लेकिन इन्होंने क्रिकेट के मैदान पर जिस तरह अपने जौहर दिखाए हैं उससे इन्होंने हर क्रिकेट फैन के दिल में अपनी जगह बना ली है। ये तो क्रिकेट का मैदान छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उस दिन ना जाने कितनी लोगों की आंखें आंसुओं से भरी होंगी। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।